इसमें गलती तो प्रशासन की माननी है। एक यदि 3 दिन पहले ही गए थे वहाँ पे, अगर प्रशासन की बात मानता, उनसे डर होता तो आज ये नहीं, क्योंकि प्रशासन डरता नहीं उनसे, डर नहीं रहा, इसलिए वहाँ पर कोई मनोवृत्ति नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो उसमें बताते हैं, हमने मीडिया में देखा, जो 68 लाख रुपए बकाया था उनको देना चाहिए था और उसने गैस बंद कर दी, तो जनता का या गरीब बच्चों का कुछ नहीं देखा, इसलिए वो, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के डर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, इसमें सरकार को तो बड़ी गलती गलती हुई है। इसमें ये जो चीज़ जैसे ऑक्सीजन के चक्कर में कहा जाता था, बच्चे या जो भी बच्चे मरे हैं उसको 2 दिन पहले योगी जी वहाँ गए थे, और जाने बाद वहाँ पर उनको डॉक्टर ने भी नहीं बताया ना उन्होंने ठीक से समीक्षा की। मगर हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है योगी जी उसके ऊपर कार्रवाई करें, और बच्चों की के माँ बाप को जो भी हालात हैं, गरीबी है, उनको मुआवजा देना चाहिए। अगर नैतिकता के आधार पर जो इसके मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार बहुत बड़ी बात है, तो सहयोग करना, पूरा सहयोग करना चाहिए। वही चिंता सबसे बच्चे लोग मौत हुई है, पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर जिस परिवार के बच्चे खोए हैं तो उस परिवार के लोगों से अगर पूछे तो जिनके ऊपर बीतती है वही जानते हैं। जहाँ तक सवाल है ऑक्सीजन की सप्लाई का, तरह तरह के विचार हैं कि पेमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो प्रशासन की इसमें गलती है। और देखिए सर, मसला ये है कि अगर किसी के घर का एक सदस्य जाता है तो उसको पता होता है कि उसका दर्द क्या है। तो ये तो एक सदस्य नहीं, नाले कितने लोगों के बच्चे मरे हैं, वो भी सरकार की लापरवाही के लिए। अगर इसमें सरकार की लापरवाही है तो सरकार को इसमें जो है तुरंत जांच बिठाने का, और जल्दी से जल्दी इसका जांच बढ़ाएं ना, लंबी जांच में छोटी जांच करें, छोटी बात करें। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब जांच बैठती है तो उसका टाइम से टाइम, मतलब गोरखपुर में जो बच्चों के 50 से ज़्यादा लोगों की मरने की तादाद थी, उसमें अब ये जांच बिठा लेंगे, जांच बिठाने के बाद वो कहेंगे उसकी रिपोर्ट देर से आएगी, और वही वो धीरे 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 टल जाएगा। उसको टालना नहीं चाहिए, और जो एक्शन लेना है उसे जल्द से जल्द तुरंत लेना चाहिए, ताकि जो मतलब घर में जिन परिवारों के बच्चों को बवाल हुआ है उनको मतलब कुछ ना कुछ संतुष्टि मिले। अब ऐसी लापरवाही करना, मतलब गैस को नहीं देना, ये नहीं करना चाहिए। अब हमारे ही मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है, 50 लाख रुपए मतलब बकाया है, तो सब कुछ मतलब मेंटेन करना चाहिए, चाहे हर जगह कहीं वो करती धीरे धीरे कम। गोरखपुर की जो घटना है, एक तो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, दूसरी बात वो घटना नहीं है, वो मर्डर है, 65 बच्चों का मर्डर है, और ये इसके जिम्मेदार सरकारी तंत्र है। वो इस बात से भी साबित होता है कि हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि अगस्त के महीने में बच्चे मरते ही हैं, तो अगर यहाँ मर गए तो कोई ख़ास बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो दूसरे नेतागण हैं जिम्मेदार हैं और मीडिया उसमें शामिल है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो गैस का सप्लायर कंपनी है वो जिम्मेदार है, सिर्फ गैस की सप्लायर कंपनी जिम्मेदार है। इस्तीफा दे देना चाहिए, 100% इस्तीफा दे देना चाहिए, और गैस एजेंसी बता देती है पैसा नहीं मिला क्यों हुआ, लेकिन उन पब्लिक ने क्या बिगाड़ा था, जिनके बच्चे हाथ से निकले हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको हत्या ही कहेंगे, हत्या की श्रेणी में आती है, और इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो साफ साफ ये कहूँगा कि सरकार अपने जो वादा किया था सरकार ने, वो किसी भी मुद्दे पे काम नहीं कर पा रही है, और इसको इस सरकार को योगी जी को मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें, नहीं तो इस्तीफा दे दें, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, और जिन बच्चों की मौत हुई है उनके माँ बाप से कुछ पूछे जाके कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, लेकिन सरकार को कोई भी ध्यान, कोई योगी जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, समझे, इनको ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश में क्या स्थिति है, समझे, अपराध चरम सीमा पे है, समझे। और मैं योगी जी से के आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपनी सरकार पे ध्यान दें, प्रदेश पे सरकार ध्यान दें, और बस मैं ये कहना चाहूँगा। गोरखपुर के बारे में हमारी राय यही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे और जो काम के लिए बोला था चुनाव से पहले, वो उन वादों पर खरी नहीं उतर रही है, और ना उस प्रकार से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट विकास के बारे में सोच रही है। इससे पहले भी सरकारें थीं, इससे पहले भी करप्शन था, लेकिन जो प्रदेश का हाल इस वक्त है इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इसके ऊपर योगी सरकार को बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए, और बहुत ही विशेष रूप से जो ये गोरखपुर का जो इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा हादसा हुआ,
उसकी जांच करनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि देश के जो आने वाला जो भविष्य है उसकी अगर हालत ऐसी रहेगी, इस प्रकार से अगर सरकार के कार्य में इतनी कमियां रहेंगी तो फिर हिंदुस्तान की आगे का भविष्य बहुत ख़राब है। उसके लिए सरकार से निवेदन है कि या तो ध्यान दें और अगर नहीं चला पा रहे हैं तो किसी दूसरे को करने दें, दोबारा से इलेक्शन करें और खुद जो है सरकार को छोड़ें।